Let's do question number 6 of exercise 6.1, that is lines and angle. Question number 6 is, it is given that angle XYZ equals to 64 degree and XY is produced to the point P. Friends, ek angle de rakha hai XYZ, right? Friend, Y beech mein hai, to ये मान लीजिए x y और z दे रखा है 64 डिग्री, ये कह रहा है. एंड xy इज प्रोड्यूस्ड, xy नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि xy प्रोड्यूस किया गया है एट पॉइंट p, ये पॉइंट p तक प्रोड्यूस किया हो गया है. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. इफ रे yq बाइसेक्ट एंगल zyp, y Q bisect कर रहा है, तो मतलब आधा पे bisect कर रहा है, ये angle Q है, और इसका मतलब ये angle इस angle के equal हुआ, क्योंकि ये bisect कर रहा है, right friends, find XYQ, XYQ, and reflex angle of QYP, इसका reflex angle निकालना है, right friends, अब देखिए, हमें पता है angle XYZ हमें दे रखा है 64 डिग्री का, right friends. अब हमें पता है ray opposite side extend हुई है, तो that means PX क्या हो गई, is a straight line हो गई, straight line हो गई, right friends. तो angle XYZ plus angle कितना PYZ, PYZ equals to 180 degree हुआ, right friends. तो XYZ कितना दे रखा था हमें 64, और PYZ हमें निकालना है, तो कितना आया 180. तो PYZ equals to 180 minus 64, तो ये कितना आ गया, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, and 116 degree का PYZ आ गया, right. और हमें निकालना था XYQ, ये निकालना है. तो अब इसका ये, as we know that YQ is a bisector है, ठीक है, bisector of angle PYZ का bisector है, तो ये दोनों equal होंगे, तो angle PYQ is equals to angle QYZ, right friends. तो वो कितना होगा, इस पूरे एंगल का आधा, PYZ का आधा होगा. फ्रेंड्स, मैंने कहा YQ बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये तो हमें ये पूरा एंगल पता है, तो इसका आधा कर देंगे, तो ये और ये निकल जाएंगे, तो हमने इसका आधा कर दिया, 116 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 10, 2 8 16, 58 डिग्री का आ गया, राइट फ्रेंड्स. अब हमें कौन सा एंगल निकालना था, एक्स वाई क्यू निकालना है, तो एंगल एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, ये एंगल और ये एंगल, एक्स वाई क्यू हमें निकालना है, तो एक्स वाई जेड को में प्लस कर देंगे एंगल कितना क्यू वाई जेड, तो ये कितना था एक्स वाई जेड 64 डिग्री, और ये कितना था 58 डिग्री, तो कितना आ गया 12 कैरी 1 एंड 6 एंड 6 इज 12, 122 डिग्री का आ गया, ये पूरा हमारा 122 डिग्री का आ गया. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई पी, वो सॉरी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स. अब एंगल क्यू वाई पी हमारा सेम आ रहा है जितना हमारा क्यू वाई जेड आया था, दैट इज 58 डिग्री. तो रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स और एंगल ऑफ एंगल क्यू वाई पी का, तो वो कितना हुआ 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी हो गया, तो कितना हुआ 360 माइनस 58, क्योंकि ये रिफ्लेक्स क्या हुआ, ये देखिए रिफ्लेक्स क्या होता है, ये एंगल जो उन सब, ये देखिए ये पी है, वाई है और क्यू है, इसके पीछे का ये सारा निकालना है
रिफ्लेक्स एंगल, तो उस ये पूरा 360 का होता है, उसमें से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो हमारा ये पीछे का निकल जाएगा। तो ये देखिए 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0 एंड 302 डिग्रीज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.